हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने कमल एजुकेशन एकेडमी के अंदर। तो आज के हम टॉपिक में बात करने वाले हैं क्रिएशन ऑफ द साड़ी। कुछ ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं साड़ी का, हम इससे ही मिलती जुलती डिज़ाइन बनाने की कोशिश करेंगे और उससे संबंधित मैंने ऑलरेडी ही मटेरियल्स इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो कुछ मटेरियल मैंने यहाँ पर पहले से ही डाउनलोड कर लिया और इसी मटेरियल का उपयोग करके मैं इस साड़ी को क्रिएट करने वाला हूँ। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि हम साड़ी का साइज क्या रखेंगे। तो हम मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है कि हम साड़ी का डिज़ाइन का मेजरमेंट कितना रखें जिससे कि हमारी साड़ी एकदम परफेक्टली बन जाए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए। वैसे भी इस वीडियो में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ऑलरेडी मैंने सेंटीमीटर में बिना ब्लाउज के साड़ी को बनाने में आपको 555 सेंटीमीटर का उपयोग करना पड़ता है और उसकी जो हाइट होती है वो 115 सेंटीमीटर हाइट रखनी होती है बिना ब्लाउज के। तो चलिए हम यहाँ पर आते हैं मेजरमेंट में और यहाँ पर क्लिक करते हैं हमारे न्यू पेज पर। और पेज पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर लेते हैं सेंटीमीटर। तो विड्थ जैसे मैंने बोला है 555 और हाइट जैसे मैंने बोला है 115 सेंटीमीटर। और रेजुलेशंस की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा बड़ा डिज़ाइन होता है तो आप इसे नॉर्मल भी रख सकते हैं, नहीं तो 150 पिक्सल भी चलेगा, नहीं तो 86 96 इस तरीके के आप मतलब 72 के अप से ही रखना होगा आपको। तो ये मैंने यहाँ पर पेज का ले लिया। अब आपको क्या करना है कि अगर एग्जैक्ट बनाना है तो हम इस डिज़ाइन को यहाँ से मूव करके हम अपने पेज पर इसको लेके आ जाएंगे। उसके बाद हम इसमें करेंगे कंट्रोल टी और कंट्रोल टी करने के बाद इसको हम इसके मेजरमेंट के आधार पर इसे सेट कर लेते हैं। एकदम परफेक्टली सेट हो चुका है। अब हम यहाँ पर करते हैं नया लेयर। नई लेयर लेने के बाद आपको करना है कि मैं पहले इसके ऊपर नीचे के बॉर्डर को पहले क्रिएट कर देता हूँ जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर और नीचे और हमारे राइट साइड में। तो हम यहाँ पर सिलेक्शन आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं और चाहे तो इनडायरेक्टली सिलेक्शन भी कर सकते हैं या मेजरमेंट के साथ भी ले सकते हैं। तो मैंने इसका मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन ले लिया है। तो ये मैंने ऊपर और नीचे दोनों साइड ही इसका मेजरमेंट रख दिया और सेम टू सेम मैं राइट साइड भी इसका मेजरमेंट रख देता हूँ। अब इस पर मैं कलर कर देता हूँ। तो सीधा मैं इसको सिलेक्शन करूँगा। सिलेक्शन करने के बाद इसमें हम इस कलर के पिंक कलर को यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे और इसमें फिल कर देंगे। सेम ऊपर नीचे जो सिलेक्शन दिया है हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और वहाँ पर भी हम कलर अप्लाई कर देते हैं। बहुत ही आसान है। आप अगर सीख रहे हैं तो इसमें आपको बहुत आसानी से हम मेजरमेंट के हिसाब से बनाने वाले हैं। तो ये देखिए हमने बॉर्डर तो क्रिएट कर दिया। चाहे तो आप इस लेयर का नाम भी रख सकते हैं कि आउटसाइड बॉर्डर। अब हम यहाँ पर फ्लावर्स की रिक्वायरमेंट से जहाँ पर जैसे फ्लावर अवेलेबल है हम वैसे वैसे ही यहाँ पर फ्लावर्स को रखते जाएंगे। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हम इस डिज़ाइन में इस लेयर को जो हमने ओरिजिनल लेयर साड़ी रखी थी उसके में ओपेसिटी को थोड़ा हल्का कर सकते हैं, नहीं करना है तो भी चलेगा। हम डायरेक्टली अब यहाँ से ओपन में आते हैं और हमने जो मटेरियल डाउनलोड किया था वहाँ पर आके जैसे कि पहले फ्लावर ले लेते हैं, इसे कर देते हैं क्लिक। आने के बाद अब ये फ्लावर तो परफेक्टली है। अब इसके रेजुलेशंस की बात करें तो हम यहाँ पर इसके रेजुलेशन को भी परफेक्टली जो हमने 96 रखा तो सेम मेजरमेंट के हिसाब से इसे अप्लाई कर देंगे। अब इसके बैकग्राउंड को रिमूव करने में थोड़ा सा आपको तकलीफ़ हो सकता है क्योंकि इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना
के लिए आपको इसका डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा, और उसके बाद इसके कलर को कर देना होगा डार्क, क्योंकि कलर को डार्क करने से क्या होगा कि इसकी आउटलाइंस को हम इजीली सिलेक्शन मोड में ला सकते हैं, और फिर उसके बाद हम इसके मेजरमेंट के हिसाब से रिमूव कर सकते हैं। अब जैसे इसे सेलेक्ट करते हैं तो देखिए, तो भी कुछ हद तक बराबर नहीं है। चलिए मैं कुछ दूसरे तरकीब से करते हैं, यहाँ से इसके नहीं, तो जैसे आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर बैकग्राउंड इसका रिमूव कर दिया है, और इस फ्लावर को उठा के हम लेके आते हैं हमारे इस पेज पे, और इसको करते हैं Ctrl+T और इसकी साइज़ को बढ़ाते हैं। साइज़ बढ़ाने से आप देखेंगे कि इसकी साइज़ बढ़ चुकी है। अब इसमें इसकी थोड़ी डंडी दिखाई दे रही है, तो हम इरेजर टूल का उपयोग करके उसको वहाँ पर हम इरेज कर देते हैं। उसके बाद हम इसे जहाँ जहाँ पर इस फ्लावर की आवश्यकता है या ज़रूरत है उसको वहाँ वहाँ पर इसे हम प्लेस करेंगे। तो जैसे पहला तो हम यहाँ पर इसके प्लेस करेंगे कि एग्जैक्ट मेजरमेंट के हिसाब से ये सही जगह पर है। फिर इसी का डुप्लीकेट किया और इसको मैंने अपोजिट कर दिया इसके, और इसको हमने इस यहाँ पर ऊपर साइड इसे फिक्स कर देंगे। तो इसको यहाँ पर भी रख दिया। रखने के बाद हमने इसके दूसरे प्लेस पे भी हमने इसको एडजस्ट करवा दिया है, और कहीं कहीं पर ये हल्के कलर में भी हमें दिखाई दे रहा है, तो हम इसके हल्के कलर को भी मेजरमेंट में रखते हुए हिसाब से हम इसको ले लेते हैं। तो हमने इसका डुप्लीकेट किया, जैसे यहाँ पर ये बड़ी साइज़ में है तो हम यहाँ पर इसको बड़ी साइज़ में ऐसे पहले प्लेस कर लेते हैं, बाद में हम इसके एडजस्टमेंट करेंगे। फिर इसका डुप्लीकेट हमने बनाया, एक यहाँ पर अवेलेबल है, फिर जस्ट इसके अपोजिट में है नीचे साइड, तो हमने इसको टर्न कर दिया Ctrl+T करके, यहाँ पर प्लेस करवा दिया। एक ऊपर साइड भी है जस्ट उसके बाजू में, तो हम इसको भी यहाँ से डुप्लीकेट एक बनाते हैं, और यहाँ पर इसको Ctrl+T करके इसको अपोजिट करके और इसकी साइज़ को थोड़ा छोटा करके वहाँ पर प्लेस करवा देते हैं। तो इतने सारे जहाँ जहाँ पर वो फ्लावर अवेलेबल था हमने उसको वहाँ पे प्लेस किया। यहाँ पर भी अगर देखें तो यहाँ पर भी हल्के कलर में अवेलेबल है, तो हम इसको भी यहाँ पे एडजस्ट करवा देते हैं, और वो भी रोटेटेड है तो हम उसको घुमा के ही रख देते हैं, थोड़ा साइज़ छोटा कर देते हैं, या एकदम परफेक्ट। अब हमारा मेन मुद्दा आ गया कि जहाँ जहाँ हमने इस फ्लावर का उपयोग किया है उन हर जगह पे अब जहाँ पर वो फ्लावर बैकग्राउंड में ब्लैक एंड वाइट है तो उसको हम ब्लैक एंड वाइट करेंगे, और अगर कलर में है तो उसको कलर में ही रखेंगे। तो ये सब फ्लावर क्या थे, ब्लैक एंड वाइट थे, तो हम इसे सेलेक्ट करके और यहाँ पर आएंगे इमेज के अंदर, यहाँ पर आपको मिलता है ब्लैक एंड वाइट, तो यहाँ से आपको ले लेना है ब्लैक एंड वाइट। जैसे इसे ओके करेंगे तो ये ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम हम यहाँ सभी फ्लावर को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर देंगे, ये भी ब्लैक एंड वाइट ही था। शॉर्टकट की भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर इसको एक बार रिमूव करके देख लें तो ये भी ब्लैक एंड वाइट में है, लेकिन ये डबल ब्लैक एंड वाइट है। तो इस टाइप का जैसे अगर आप फ्लावर देखें तो इसमें कलर भी है और ब्लैक एंड वाइट भी है। तो इस तरीके की डिज़ाइन बनाने के लिए आपके पास एक तरकीब होनी चाहिए। तो पहले मैं जो ब्लैक एंड वाइट है उनको ही पहले सेट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको तरकीब बताता हूँ कि उस तरीके का फ्लावर आप किस तरीके से बना सकते हैं। चलिए एक ये वाला भी हमारा बाकी है, इसको भी कर देते हैं। या डन। अब अगर आप देखें तो इसमें भी सेम वही सिचुएशन है और वैसे ही बनाया गया। तो मैं आपको यहाँ पे तरकीब दूंगा, आइडिया दूंगा कि आप क्या करें इसके लिए। तो इसके लिए मेरे पास एक आप लोगों के लिए आइडिया है कि पहले तो आप इसका एक डुप्लीकेट वापस बना लें। डुप्लीकेट वापस बनाने से क्या है कि इसकी दो लेयर आपको मिल जाएंगी,
अब इसके जो नीचे वाली लेयर है उसको पहले कर लीजिए ब्लैक एंड वाइट। तो अब हम उसको उसके जस्ट नीचे वाली लेयर को कर लेंगे ब्लैक एंड वाइट। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये ब्लैक एंड वाइट हो गया और जस्ट उसी के ऊपर सेम फ्लावर है तो वो है कलर में। अब ऊपर वाली लेयर को सेलेक्ट करके और इरेजर टूल लेना है, वो भी ब्लर में। तो ब्लर सेक्शन में मीन्स लेने के बाद इरेजर को कर लीजिए बड़ा। तो बड़ा करने के बाद उसे जूम करके मैं आपको बताऊं तो जो कलर वाला लेयर है, जो ऊपर है कलर वाला लेयर, उस लेयर को सेलेक्ट करके आपको उसको कर देना है हल्का हल्का रिमूव, मतलब कलर को मिटा देना है। तो देखिए उसका आपको रिफ्लेक्शन उसमें दिखाई दे रहा है, ब्लैक एंड वाइट भी है और प्लस वो कलर में भी अवेलेबल है। सेम सिचुएशन आपको यूज़ करनी है आपको आपके सेकेंड फ्लावर में, जैसे ये वाला फ्लावर है तो सेम आपको वही काम करना है कि इस लेयर का आपको डुप्लीकेट बना देना है और उसके नीचे वाली लेयर को आप जो है उसको कर देना है ब्लैक एंड वाइट। तो उसको हम पहले कर लेते हैं ब्लैक एंड वाइट और जस्ट उसके ऊपर वाले लेयर को सेलेक्ट करके सेम इरेजर टूल का उपयोग करके उसको कर देना है आपको रिमूव। तो देखिए ये उसके साथ एकदम परफेक्टली बन चुका है। अब हमारे मुद्दे में आता है कि उसके अंदर आपने देखा कि और भी फ्लावर वहाँ पर अवेलेबल थे, तो हम उस लेयर को वापस ऑन करेंगे जहाँ साड़ी है। तो इसमें हमारा सेकेंड सेक्शन आ रहा है ये फ्लावर, बीच के फ्लावर्स को लाने के लिए हम चलते हैं न्यू और उसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमने मटेरियल पहले से डाउनलोड किया तो इसे ले लिया। अब इसमें से इसे सेलेक्ट कर लेना है कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं। तो देखिए वो काफ़ी छोटा है तो उसको हम पहले कंट्रोल टी करके बड़ा कर लेते हैं। अब इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर देते हैं। तो वन टाइम में भी रिमूव कर सकते हैं, यहाँ रिमूव ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिए, वो इजीली उसको रिमूव कर देगा। देखिए रिमूव हो चुका है। रिमूव हो जाने के बाद आपके पास सेम फ्लावर है तो इसलिए आपको सिर्फ इसे रोटेट करके घुमा दीजिए और उसको प्लेस कर दीजिए उसके स्थान पर कि ये जहाँ जैसा है, एकदम परफेक्ट है, एकदम सही जगह पे हमने उसे प्लेस कर दिया है। साइज के हिसाब से भी एकदम सही से बैठ रहा है और सेम वही फ्लावर आपका यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो इसी का एक डुप्लीकेट बना के वापस हम इसे रोटेट कर देंगे और इसे कर देंगे बड़ा। और इसे प्लेस करवा देंगे। एकदम सही से आप इसे प्लेस कीजिए। प्लेस टू प्लेस हो जाने के बाद अगर आप देखें तो दोनों फ्लावर को मैंने एडजस्टमेंट करवा दिया है। यहाँ का फ्लावर आई थिंक मैंने रिमूव कर लिया है तो इसका डुप्लीकेट वापस बना के रख लेते हैं। अभी ठीक है। चलिए ये भी हमने प्लेस कर दिया, मतलब दोनों फ्लावर को जहाँ जहाँ उसको रखा गया था हमने उसको प्लेस कर लिया है। अब हमें यहाँ पे चाहिए थोड़ा रोज़ का, तो अब हम यहाँ पर रोज़ फ्लावर लाते हैं। तो उसको लाने के लिए हमें क्या करना है, वापस जाना है ओपन में और हमने जो रोज़ फ्लावर डाउनलोड किए थे उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज़ मुझे ये वाला लेना है तो ये ले सकते, ये लेना चाहिए तो फ़िलहाल अभी मैं इसको ही लेता हूँ। अब इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना होगा आपको, तो यहाँ से रिमूव पे क्लिक करते हैं। बैकग्राउंड के हो चुका है एकदम परफेक्टली और इसको हम उठा के अपनी डिज़ाइन में प्लेस करवाते हैं। कंट्रोल टी किया, बड़ा किया। अब इसको यहाँ पर मैं रिप्लेस करता हूँ क्योंकि ये डिज़ाइन यहीं पे अवेलेबल अच्छा लगेगा, एकदम एग्जैक्ट साइज में ही रखेंगे। अब हमें इसके इन दो फ्लावर के लिए दूसरा फ्लावर देखते हैं रोज़ का। तो हमने जो दूसरा रोज़
डाउनलोड किया था उसे ले लेते हैं इसमें से, और ये बीच वाला ही फ्लावर में यहाँ से कटिंग करके लेके जाऊंगा। तो मैंने इसको अपने हैंड वर्क से अपने हिसाब से ही इसे सेलेक्ट करके काट के लेके चला जाता हूँ। कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल टी, साइज बढ़ा के, और इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। इसी फ्लावर को डुप्लीकेट इसके एक ऊपर टॉप पे भी है, तो उसको भी हम वहाँ पे रिप्लेस करवा देते हैं। डुप्लीकेट का थोड़ा साइज छोटा है तो छोटा कर लेते हैं और इसको घुमा देते हैं, ये भी चलेगा। अगर हम यहाँ डिज़ाइन अपनी देखें तो मोस्ट प्रोबली हमारी डिज़ाइन में फ्लावर्स काफ़ी जगह पर हमने रख लिए हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसमें और भी छोटी छोटी जो सेक्शंस हैं, कली है, वो हमें यहाँ पे डालनी है। तो हम यहाँ से फिर चलते हैं डाउनलोड में ओपन, और यहाँ से हमें लीफ्स चाहिए थी कुछ जो वहाँ पर अवेलेबल है, तो हमने इस लीफ को लिया। इसके भी बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है, बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद आप इसे सीधा उठाइए और अपने डिज़ाइन में इसे पुट कर दीजिए। तो ये लीफ हमारी यहीं पर अवेलेबल है, तो इसको हम यहाँ पर ले लेंगे। ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट है तो इसको हम बाद में ट्रांसपेरेंट करेंगे, पहले हम अपने सारे मटेरियल्स को वन बाय वन यहाँ पर रख लेना है, क्योंकि जब तक आप पूरा मटेरियल रख नहीं लेंगे तब तक आपको आइडिया नहीं आएगा कि हमारी डिज़ाइन बराबर बन रही है कि नहीं बन रही। अब दूसरी बात आती है लीफ का, तो हमने यहाँ पे उसके लिए एक अलग प्रकार की लीफ ली थी। आई थिंक इसमें मुझे वो दिख नहीं रही है। एक ये फ्लावर का भी हम उपयोग करने वाले हैं, इसके भी बैकग्राउंड को रिमूव कर देते हैं। इसको लेके चलते हैं और इसका हम उपयोग यहाँ पे करेंगे, वो भी ये भी हल्के में है, एकदम हल्का ट्रांसपेरेंट में था डिज़ाइन। और इसकी पहले वाली जो पत्ती थी उसको हम इसे ऊपर कर देंगे। डिज़ाइन को आगे बढ़ाने से पहले मेरा मुद्दा ये है कि हम इसको पहले एक काम करते हैं, इसके बैकग्राउंड टेक्सचर को पहले यहाँ पर पुट करना। तो हमने इंटरनेट पे आना है, yandex.com की वेबसाइट पे जाना है, और यहाँ पर आपको सर्च करना है कलर पेंट टेक्सचर। या फिर कलर पेंट या क्लाउड भी ले सकते हैं, क्लाउड टेक्सचर। तो आपको कुछ इस तरीके के टेक्सचर्स मिल जाएंगे। सपोज मुझे ये वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है, या इससे भी बेहतर आपको मिले तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको पहले यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, तो इसे मैंने यहीं से डायरेक्ट कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद हम आते हैं अपनी डिज़ाइन में, और बैकग्राउंड वाले सेक्शन को पहले करते हैं बंद, और इसके जस्ट नीचे हम उसे करते हैं पेस्ट। और देखिए आप आ चुका है, और इसको हम यहाँ पर करेंगे वन बाय वन रिप्लेस। तो हम इसकी पहले साइज़ को मेंटेन कर देते हैं, यहाँ परफेक्ट, और इसके पूरे लेयर के अंदर, मतलब जितनी बड़ी साड़ी है उसके अंदर पहले हम इसे प्लेस कर लेते हैं कि ये एकदम परफेक्ट बैठ रहा है कि नहीं। अब इसे ये कटआउट यहाँ पे क्या करना है, इसको अपोजिट कर देते हैं, हॉरिजेंटली आपको उसको सीधा घुमा देना है, तो वो ऑटोमेटिकली उसके राउंड फिगर में बैठ जाएगा, देख रहे हैं ना। देन आफ्टर इसको और आगे तक सेक्शन को बढ़ा देते हैं पूरी। और इसको भी कंट्रोल टी करके घुमा देते हैं एक बार।
चाहे तो इसको कंट्रोल टी करके मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, स्ट्रेच कर देते हैं। अब ये जो लेयर हमने अलग अलग बैकग्राउंड डाला था, इसे सेलेक्ट करके मर्ज कर देना है और उसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर देना। ब्लैक एंड वाइट में जैसे ही आप उसे करेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा मतलब कलर में है, कलराइज है, तो हम इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा हल्का कर देंगे, जिससे क्या है कि वो उसके साथ अलग आपको दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ पर जो कलर अवेलेबल था ओरिजिनल डिज़ाइन के अंदर, मैं उसको वापस ओपन कर लेता हूँ साड़ी को, जिससे हमें कलर मिल जाएगा। यहाँ देखो तो अलग से वाइट का साइडो इफेक्ट ज़्यादा है, बैकग्राउंड टेक्सचर नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि पहले एक नई लेयर लेते हैं जस्ट इसके ऊपर, और यहाँ से कलर ले लेते हैं वाइट, और यहाँ से लेते हैं ब्रश, और ब्रश के साइज को हम कर देते हैं इंक्रीज, मतलब बढ़ा देते हैं, चाहे जितना चाहे बढ़ा दीजिए, और फिर उसकी ओपेसिटी कर देंगे हल्की, और फिर हल्का हल्का उस कलर को यहाँ पर डालेंगे, थोड़ा और ओपेसिटी बढ़ा लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि तो ये एकदम परफेक्टली उसमें बैठ रहा है। बैठने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, उसके दूसरे कलर को चूज करेंगे। तो ओरिजिनल डिजाइन में आते हैं और इसमें जो कलर है उसको यहाँ से पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। और साड़ी में जहाँ जहाँ पर वो अवेलेबल है वैसे हम यहाँ पे मैनुअली उसमें पुट कराएंगे। अब उसके बाद जो उसके अंदर डार्क कलर अवेलेबल है उस कलर को यहाँ से चूज करेंगे, और उसके जो लीफ के आधार पे रखा है तो उसके लीफ के आधार पे हम उसमें इस तरीके से कलर कर देंगे। करने के बाद अगर हम इसकी ओरिजिनल डिजाइन में देखें तो ये लीफ जो हमारी पत्तियां हैं वो भी हल्की है, मैंने जैसे बोला था। तो इन सभी को सेलेक्ट करके इनकी भी ओपेसिटी को आपको करना होगा इनक्रीज, जो उसके साथ मिक्स लगने लगेंगे कि ये इसी का ही हिस्सा है। तो मैं इन लीव्स को भी सेलेक्ट करके उनके ओपेसिटी को मेंटेन कर रहा हूँ। इरेजर टूल लिया, ये हल्का थोड़ा इससे था मिक्स में, तो हमने उसको मिक्स कर दिया। अब इसमें और भी छोटे छोटे पार्ट्स थे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इन पार्ट्स को भी लाने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास है कि नहीं है, नहीं है तो इंटरनेट से ढूंढेंगे। ना तो इसमें है नहीं खास, तो एक काम कर दें कि हम थोड़ा इंटरनेट से फाइंड आउट कर लेते हैं उससे रिलेटेड लीव्स के लिए। तो हम यहाँ चलते हैं गूगल पे और बैक होते हैं और यहाँ लिखते हैं लीव्स, लीफ PNG। देखते हैं कि उससे संबंधित अगर हमें मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। ये सपोज मैं इसको लेता हूँ, इसे डाउनलोड कर लेते हैं। अब इसको हम अपने फोटोशॉप में लाते हैं, इसको घुमा देते हैं, इसका एंगल भी सेम सेट करते हैं,
तरीके से था। हाँ बट इसका कलर जो है वो हमें उसका सेम कलर लाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से आते हैं इमेज सेक्शंस में और यहाँ से लेते हैं कलर और इसको चेंज करते हैं। या एकदम परफेक्ट यही कलर हमें चाहिए था और इसे कर देते हैं ओके। अब ये जो रोज है उसको उसके ऊपर से नहीं निकालना है क्योंकि उसके नीचे जा रहा है। इस लीफ को थोड़ा सीधा भी कर सकते हैं ब्रेक का उपयोग करके। तो हम इसे थोड़ा सा ऊपर की ओर इस तरीके से सेक्शन में ला देते हैं तो ठीक है। अब इसी लीफ का उपयोग करके हमें और भी जगह लीफ को रखना है। कंट्रोल टी, थोड़ा साइज छोटा और इसे घुमा देते हैं। काफी हद तक हमारी डिजाइन बन चुकी है। इसमें और भी रिफ्लेक्शन थोड़ा, जैसे इसकी ओपेसिटी थी इसको भी हम कम कर देते हैं। इसकी भी ओपेसिटी कम कर दो और थोड़ा कलर मिक्सिंग में भी यूज़ करके इसे आप बना सकते हो। तो अगर आप देखें तो ये हमारी जो साड़ी है मोस्ट टॉपली बन चुकी है। और भी इसमें छोटे छोटे जो पैटर्न्स थे, लीफ्स थे, उनको अगर आप यहाँ पे डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे ये है एक हिस्सा, इसको मैं चाहे तो कॉपी कर लेता हूँ, नहीं तो कुछ और भी आप यहाँ से ले सकते हैं। मेरे हिसाब से ये वाला ले लें। नहीं, यही लेते हैं, कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पर आते हैं हमारी डिजाइन में इसे पेस्ट करते हैं। इसके थोड़े से साइज को इंक्रीज करते हैं पहले, फिर इसके बैकग्राउंड को रिमूव करवा देते हैं। बैकग्राउंड रिमूव हो जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि इसे जहाँ पर रखना था वहाँ पर इसको रिप्लेस कराएंगे। जैसे कि यहाँ पर अवेलेबल था छोटे छोटे साइज में, तो इसे हम छोटा सा करके यहाँ पे लाएंगे, उसे जूम करके पहले देख लेंगे। और इसको मिक्स कराने के लिए हम इसके डिज़ाइन को थोड़ा बदल देंगे, फिर इसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे और ये यहाँ पर परफेक्टली सेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि आप अपनी डिज़ाइन को बड़ी आसानी से बना सकते हैं बिना किसी भी प्रॉब्लम के, और इस तरीके से आप अपनी डिज़ाइन को बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।